नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपके साथ, आप देख रहे हैं हरियाणा खास खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो भारी उछाल कोरोना के मामलों में आया है, सरकार ने अपने हिदायतें ख़त्म करते हुए लोगों को सख्ती से जो बात कही है कि आप बिना कहीं आप कोरोना के दोनों इंजेक्शन लगवाए अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको सरकारी दफ्तरों में नहीं जाने दिया जाएगा और शायद आगे बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना ये भी बंद कर सकती है सरकार। इन बातों को समझते हुए और सरकार ने जो सख्ती के इसको देखते हुए लोगों ने इंजेक्शन की जो लगवाने की रफ्तार उसको तेज कर दिया है और आज काफ़ी मात्रा में लोग इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटलों में पहुँचे हैं। वहाँ देखने वाली बात ये रही है कि इंजेक्शन लगवाने की तुम्हारा बारी है लेकिन मास्क लगाने में अभी भी काफ़ी लोग पीछे हट रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से बात की और उन्होंने अपनी बात बताई कि आज 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन आज निश्चिंग में दी गई है और हरियाणा में और जगह भी वैक्सीन दी गई है। जानिए हाल आगे डॉक्टर साहब। मैंने लुवाया था वो रिपोर्ट नहीं पाई, दोनों टिक्के लुवा लिए। वैक्सीनेशन हुए बच्चों की जो आप लगा रहे हैं? 100 हो गया आज। 100 कौन सी लगा रहे हैं? कोवैक्सीन लगा रहे हैं 15 से 18 साल तक के बच्चों को। आज सुबह आज के दिन के 100? हाँ, आज सुबह से। आपने वैक्सीनेशन ली है? हाँ। कितनी एज आपकी? 17 साल। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं महसूस कर रहे? कोई परेशानी? कुछ नहीं, ठीक हो। डॉक्टर साहब, आज जो ये भीड़ लगी है हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए, क्या कारण है इसका? आज जो हमारे सीएससी निशिंग में इतने जो लोग आए हैं यहाँ पे, वो सभी के सभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए आए हैं यहाँ पे और उसमें से हमारे 15 साल से 18 साल के बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आज से शुरू की है। तो बच्चों के लिए हमने वैक्सीनेशन काउंटर और टीम्स हमारी अलग लगाई है और जो हमारे 18 प्लस है और 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट किए गए हैं। तो जैसा कि सरकार ने अभी सभी लोगों को ये अनिवार्य कर दिया कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज जाएंगे या जितने भी सरकारी संस्थान पब्लिक दायरों में जहाँ भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सरकारी सहायता या वो चीज़ें आपको सेवाएं लेनी है तो उसके लिए आप लोगों को वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दी गई है। तो सभी लोग मैंडेटरी वैक्सीनेशन होने के कारण यहाँ पर किसी की पहली डोज ही नहीं लगी है तो वो भी आ रहे हैं और जिनकी सेकेंड डोज पेंडिंग थी वो भी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिसके पेंडेंसी को कंप्लीट करने के लिए लोग यहाँ पर अपनी लंबी लंबी लाइनों में आए और हम लोग उनकी कोविड बिहेवियर के अनुसार उन लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और जिनके अभी भी रह रहे हैं वो हर एक हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि जो ये महामारी के दौरान केसेज बढ़ने लगे हैं उस पर हमारा काबू पाया जा सके। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन दी जा रही है?
कोवैक्सीन हमारे यहाँ पर अब जितने भी हरियाणा हमारी भारत सरकार के द्वारा कोवैक्सीन को मान्यता दी गई है ताकि वो बच्चों को 15 साल से 18 साल के जो एज ग्रुप का है उनको वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस कड़ी में जो हमारे केसेस बढ़ने लगे हैं जिसको तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है, तो हमारी हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट जारी किया है जिसके तहत जो भी हमारे सरकारी दायरे हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं या क्राउडिंग वाले प्लेसेस हैं, उन सभी जगह पे ये मैंडेटरी किया गया है कि अपनी वैक्सीनेशन के साथ में ही आप लोग वहाँ पे प्रवेश करें। और जितने बैंक आज हमने चेक किए हैं, पब्लिक प्लेसेस चेक किए, कुछ जगह पे हमें ऐसा भी शिकायत मिली थी कोई स्कूल वगैरह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमने जाके देखा स्कूल वगैरह भी बंद थे। तो सभी को मेरा निवेदन यही रहा है, सबसे आज मिल के एक अनुग्रह हमने किया है कि आप लोग इंश्योर करें कि जो भी व्यक्ति आपके पास में आता है उसको फर्स्ट एंड सेकंड डोज वैक्सीनेशन की, कोविड वैक्सीनेशन की होना सुनिश्चित करें। यदि किसी ने नहीं भी लगवाई हुई है तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में उसको भिजवा के लगवाया जा सकता है। और ये आज हमने सतर्कता के तौर पे या जागरूकता के तौर पे जहाँ जहाँ भीड़ वाले प्लेसेस हैं वहाँ हमने विजिट किया है, और उसके बाद हम लोग चालान भी करेंगे। जो व्यक्ति हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करते पाया गया उसकी उल्लंघना में 500 रुपये का चालान किया जाएगा, और जिस संस्था के तहत ये ऐसा हो रहा होगा तो वहाँ के प्रभारी को 5000 रुपये के करीब हमारा जो चालान का प्रावधान बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मेरी निवेदन यही होगा कि आप लोग सबसे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और हमारे जितने कोविड बिहेवियर के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो खुद भी करें और लोगों से भी करो भाई, ताकि इस महामारी को हम जल्दी से जल्दी नियंत्रित कर सकें।